तो हे गाइस, वेलकम टू दी पाइथन बिगनर्स कोर्स बाय ग्रो योर ग्रेड्स। तो इस लेक्चर में हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में जानेंगे कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होता है और उसको कितने टाइप का होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इस वीडियो में हम लोग कवर क्या करेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट। और कंडीशनल स्टेटमेंट बेसिकली फोर टाइप का होता है, इफ एल्स एंड नेस्टेड इफ। तो हम लोग एक एक कंडीशनल स्टेटमेंट को कवर करेंगे और जानेंगे कि कैसे कौन सा फंक्शन करता है। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो कंडीशनल स्टेटमेंट होता है उसको हम लोग मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट आखिरकार करता क्या है। तो बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट जो होता है ना, वो किसी भी चीज़ को कंपेयर करता है, राइट। तो उसके लिए हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज करते हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट बेसिकली ये फोर टाइप का होता है। तो हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं इफ का। तो चलिए कंपाइलर में चलते हैं और इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि इससे हम लोग क्या क्या सीख रहे हैं। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या किया है कि यहाँ पर दो नंबर लिया है यूजर से, नम वन एंड नम टू, दो नंबर लिया है यूजर से, ठीक। और उसमें कंडीशन लगा दिया है, कंडीशन की इफ नंबर वन इज ग्रेटर देन नंबर टू। तो इसमें ये क्या चेक कर रहा है कि नंबर वन का ग्रेटर देन नंबर टू है। अगर नंबर वन बड़ा हुआ, मतलब क्या, नंबर वन जो है अगर यूजर जो दिया है वो नंबर टू से अगर बड़ा हुआ, तो हमें आउटपुट में ये प्रिंट स्टेटमेंट जो कोड है ये रन करेगा, नहीं तो हमें आउटपुट में कुछ भी नहीं मिलेगा, राइट। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो नंबर वन जैसे कि मैं दे देता हूँ 100 एंड नंबर टू में मान लीजिए 50 दे देता हूँ, बट 100 इज ग्रेटर देन 50 विच इज ट्रू। अगेन इसको रन करके देखते हैं, अगर मैं नंबर वन को 50 दे दूँ और नंबर टू को 100 दे दूँ, तब हमें देखिए आउटपुट में कुछ भी नहीं मिला। क्यों? क्योंकि इफ स्टेटमेंट अगर जब ये सेटिस्फाई होगा कंडीशन, तभी हमें ये जो लाइन ऑफ कोड है ये रन करेगा। यहाँ पर एक चीज और है, ये डॉट फॉर्मेट क्या होता है, ये जो डॉट फॉर्मेट लिखा हुआ है, डॉट फॉर्मेट बेसिकली होता है कि हम लोग जो हमें आउटपुट देते हैं उसको और क्लियरली रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। लाइक जहाँ जहाँ पर आपने कर्ली ब्रेसेस दिया है उसके करस्पॉन्डिंग जो जो आउटपुट होगा वो प्रिंट होगा। लाइक यहाँ फर्स्ट प्लेस पे जो कर्ली ब्रेसेस है उसकी जगह नम वन का वैल्यू प्रिंट होगा, फिर जो ये सेकंड प्लेस का जो कर्ली ब्रेसेस है उसके जगह पर नम टू का वैल्यू प्रिंट होगा। लाइक यहाँ पर जो आप एग्जांपल था इसमें भी आप देख रहे थे, लाइक यहाँ पे 100 था और इसको 30 कर दीजिए, तो यहाँ पर देखिए नम वन के जगह पे क्या था 100 और नम टू की जगह पे यहाँ 30 प्रिंट हो, राइट। तो ये आई होप आपको क्लियर होगा। तो अब चलिए अब सेकेंड चेक करते हैं इफ एल्स कंडीशन। तो हम लोगों ने पिछले प्रोग्राम में देखा क्या कि नम वन जब ग्रेटर देन नम टू है, मतलब 100 जो था हम लोग के प्रीवियस एग्जांपल में, उसमें जो अगर वो ग्रेटर देन, तब हमें ये मिल रहा था। अगर वो कंडीशन, ये वाला जो कंडीशन है, ये फॉल्स हो जा रहा था, तब हमें आउटपुट में कुछ भी नहीं मिल रहा था। लेकिन हम लोग चाहते हैं अगर जब कंडीशन फॉल्स हो, तब हम लोग प्रिंट करना चाहें कि लेस देन ये होना चाहिए। चलिए ये भी देख लेते हैं हम लोग। हम क्या यहाँ पे चाहते हैं ना कि यहाँ पर एल्स, एल्स में क्या प्रिंट हो ना कि इसको क्या, यहाँ पर मैंने कर दिया ना कि अगर ये जो कंडीशन है, मतलब नम वन इज ग्रेटर देन नम टू हुआ, तब तो ये आउटपुट में मिलेगा। अगर नम वन ग्रेटर देन नम टू नहीं हुआ, तब क्या हमें मिलेगा, ये वाला कंडीशन कि क्या वो लेस देन होगा, राइट। तो इसको अगेन आउटपुट में प्रिंट करके देखते हैं। तो नम वन मान लीजिए मैं 20 ले लेता हूँ, इसको मैं 100 ले लेता हूँ, तो क्या 20 इज लेस देन 100, विच इज करेक्ट। ये हम लोगों ने दो कंडीशनल स्टेटमेंट देख लिया, इफ कंडीशनल स्टेटमेंट एंड इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट। और इफ इसमें होता है इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है ना कि यहाँ पर हम लोगों ने एक कंडीशन और दे दिया कि नम वन इज इक्वल्स टू नम टू, तब हमें क्या प्रिंट करना है ना, इक्वल, राइट। नहीं तो एल्स में क्या प्रिंट कर देना है। यहाँ पर हम लोग दो कंडीशन चेक करें, मतलब मल्टीपल कंडीशन चेक करना होता है, तो हम लोग उस केस में इफ एल्स कंडीशन चेक कंडीशनल स्टेटमेंट हम लोग अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि अगर ये कंडीशन, मतलब नम वन ग्रेटर देन नम टू हुआ, तब ये वाला जो है
ये कोड ऑफ पीस ऑफ कोड ये रन करेगा। अगर नम वन इज इक्वल्स टू नम टू हुआ तब ये वाला लाइन प्रिंट करेगा, नहीं तो अगर ये दोनों कंडीशन ही अगर फॉल्स हो गया, मतलब ये भी फॉल्स हो गया और ये भी फॉल्स हो गया, तब हमें क्या करना है, इस लाइन को कोड ऑफ को प्रिंट करना है। राइट, चलिए इसको भी रन करके हम लोग देख लेते हैं। तो अगर मैं दोनों नंबर का वैल्यू अगर सेम दे दूँ, इसका भी 200 और इसका भी 200, यानी कि ये ग्रेटर देन नहीं है, मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो गया, ये इक्वल टू इक्वल, यानी ये कंडीशन क्या हो गया, करेक्ट हो गया, यानी हमें आउटपुट में ये वाला पीस ऑफ लाइन ऑफ कोड मिलेगा। राइट, तो यहाँ पर देखिए 200 इज इक्वल्स टू 200। राइट, तो इस तरह से हम लोग इफ इफ एल्स एंड इफ एल्स इफ का हम लोग यूज करते हैं। चलिए हम लोग अब एक और देख लेते हैं, नेस्टेड इफ का मतलब क्या होता है। नेस्टेड इफ का मतलब होता है ना, कोई एक इफ कंडीशन है उसके अंदर ही अगर हम लोग इफ कंडीशन को अगर पुट कर दें तब हम लोग को क्या हो जाएगा, नेस्टेड इफ। अगर हम लोग दो नंबर अगर हम लोग सपोज कर लें कि हम लोग एक ही नंबर पर अभी काम करते हैं, तो हम लोग इफ नम वन ग्रेटर देन 0 हुआ तभी हम लोग को क्या करना है ना, और इफ नम वन ग्रेटर देन 0 एंड नम टू इज ग्रेटर देन 0 तभी हम लोगों को क्या प्रिंट करना है, तभी हम लोगों को चेक करना है क्या कि जो नम वन है क्या वो ग्रेटर देन नम टू है, तब हमें क्या प्रिंट करना है ना कि तो नम वन इज ग्रेटर देन नम टू। केस में हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि अगर नम वन का वैल्यू अगर 0 से बड़ा और नम टू का वैल्यू अगर 0 से बड़ा तभी फिर ये कंडीशन चेक करेगा कि नम वन ग्रेटर देन नम टू। इस तरह का जो स्टेटमेंट होता है इसको हम लोग कहते हैं नेस्टेड इफ कंडीशनल स्टेटमेंट। तो इसको भी हम लोग रन करके देख लेते हैं। तो इसमें हम लोग नम वन पूछ रहा है, तो अगर हम लोग इसका 10 20 दे दें और इसका अगर हम लोग -2 दे दें तब ये आउटपुट में कुछ नहीं देगा। ये देखिए यहाँ पे आउटपुट में हमें बाहर निकल गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो कंडीशन है फॉल्स हो गया। और अगर हम लोग अगेन इसको रन करते हैं, यहाँ पर 200 देते हैं और यहाँ पर 100 देते हैं, तो 200 इज ग्रेटर देन 100, तो ये वाला कंडीशन तब सेटिस्फाई हो गया, ये वाला भी और ये वाला भी, इसीलिए ये पीस ऑफ कोड रन किया। राइट, तो इस तरह से हम लोग इफ इफ एल्स एंड नेस्टेड इफ का प्रोग्राम करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल।